में तो सुनहरी जालियों से यही आवाज आ रही होती है, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे मजार की जियारत कर ली शफात उस पर वाजिब हो गई। उन्हीं सुनहरी जालियों के सामने से जब ये जाहिल गुजर रहा था तो इसको शफात की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, बल्कि ये आवाज आई कि जब पाकिस्तान पहुंचना तो मेरे इलियास को मेरा सलाम कह देना। माज़ अल्लाह, मैं पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान से मुल्तान चला गया, मुल्तान से फिर पाकिस्तान आया, भूल गया ख्वाब में सलाम जो सरकार ने कहा था, माज़ अल्लाह वो ख्वाब ख्वाब का सलाम कहना भूल गया। एक दिन मैंने अपने घर पे टीवी खोला, माज़ अल्लाह कहो माज़ अल्लाह, माज़ अल्लाह, घर पर मैंने टीवी खोला और जैसे टीवी खोला टीवी पर सरकार तशरीफ लाए, माज़ अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, कहने लगे टीवी पर सरकार तशरीफ लाए, कहने लगे तुमने इलियास को मेरा सलाम ना कहा। ऐसे बदबख्त ज़हन की ज़हनियत रखने वाले ये दावत इस्लामी वाले, कहने लगे साहब इलियास के बेटे की शादी, सरकारे दो आलम तशरीफ लाए, इस्तकबाल में मेहमानों के खड़े थे, सरकारे गरीब नवाज और गौसे आजम तंबू और कनात लगा रहे थे। मेरा गौस तेरा तंबू कनात लगाने के लिए नहीं है, मेरा गौस तो गुलामों की हिफाजत के लिए है, मेरा गौस तो हम गुलामों को बचाने के लिए है, मेरा गौस तो वो गौसे आजम है जो इशारा करते तो पल में कश्ती इधर से उधर होती हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शहदाए करबला, उर्से मुबारक, नारे तकबीर। झूठ पर झूठ कहने लगे साहब, एक यमनी बुजुर्ग ने एक ख्वाब बयान किया कि मैं खाने काबा के गिलाफे काबा को पकड़कर खड़ा था, मैंने देखा कि सरकारे दो आलम तशरीफ लाए, सरकार आगे आगे जा रहे थे, मैं भी पीछे पीछे हो लिया, सरकार खाने काबा के अंदर तशरीफ ले गए और खाने काबा का दरवाजा जब खुला है, अंदर देखा एक शब्द हरा मावा बांधे, एक साहब नमाज पढ़ रहे थे, मैंने सरकार से पूछा ये कौन है, सरकार इरशाद फरमाते हैं ये पाकिस्तान के इलियास है। माज अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसा ज़हनो फिक्र रखने वाली ये दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी नहीं, ये दावत इलियासी है। हम इसको दावत इस्लामी नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते, इस्लाम की दावत तो वो है जो अजीम मेरे मुस्तफा ने अता फरमाया, बेशक बेशक, जिस दावत पर सिद्दीक अकबर उनके गुलाम हो गए, फारूक आजम हो गए, देखा नहीं है भाई अभी उमर फारूक आजम ईमान नहीं लाए,